आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दोपहर खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति तमाम चर्चे समय विद्यमान है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब पुरस्कार वितरण होता है उसके बाद भी यहां पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। चर्चाएं इसलिए शुरू हो गई क्योंकि यहां पर पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव, पूर्व रक्षा मंत्री और सपा के संरक्षक रहे, सपा के आधार रहे और कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनको पद्म विभूषण दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव वहाँ लेने पहुँचे और उन्होंने इसको ग्रहण किया और उसके बाद इस पर भी आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। हालांकि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग कही जा रही थी और ये मांग कई बार की गई मंच के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, और ये मांग शिवपाल सिंह यादव ने की, ये मांग स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। और जब उनको पद्म विभूषण कल दिया गया, अखिलेश यादव उनके पुत्र ने पद्म विभूषण ग्रहण किया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने वाली बीजेपी, जो कि दलित और पिछड़े वर्ग के लिए अपने आप को हितैषी बता रही है, उसने अगर वास्तव में उसको न्याय करना है या उसके बात लेना है या इस वर्ग की बात करती है, तो सबसे पहले उसको इस वर्ग के आधार रहे, इस वर्ग के लिए संघर्ष करने वाले काशीराम और मुलायम सिंह यादव दोनों को भारत रत्न देना चाहिए, जो अब तक नहीं दिया गया। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव ने इसको लेकर ट्वीट तो किया पर पुरस्कार को लेकर धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, उनका नाम पर्याप्त, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि किसी पुरस्कार को लेकर उनका नाम देना, उसको धन्यवाद देना कतई जरूरी नहीं है। खैर, ये तो रही पुरस्कार की बात। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के पुराने नेताओं में एक रहे गुलाम नबी आज़ाद, इस समय कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और अलग होने के बाद समय समय पर वे कांग्रेस के विरोध में बयान देते रहते हैं। कल भी बयान दिए और कल उनके बयान अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस राहुल गांधी की वजह से छोड़ी। राहुल गांधी उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह के प्राथमिक कारण थे, यानी सबसे पहली वजह थे। तो भाई बातों बातों में उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि कई लोगों को राजनीति का काखागा भी नहीं आता और भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में परिपक्व है, उनको अच्छी तरह राजनीति करनी आती है, ज्ञान है और अनुभव है राजनीति का। और सबसे तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि कल पद्मश्री देने के दौरान सहाय रशीद अहमद कादरी, बिदरी कला के निपुण, 500 साल पुरानी बिदरी कला को जीवंत बनाए हुए थे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि जब उनको ये सम्मान दिया गया तो उन्होंने छोटी सी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बात कही जो शायद आदमी को अंदाज नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि शायद उनको ये पुरस्कार, ये सम्मान यूपीए सरकार में मिलेगा, पर ये सरकार, ये सम्मान उनको 10 साल रही यूपीए सरकार में नहीं मिला, यानी 2004 से 2014 तक। और जब उनको लगा कि शायद बीजेपी सरकार चल रही है, सम्मान उनको नहीं मिलेगा, तो आपने मुझे सम्मान देकर स्पष्ट कर दिया कि आप मुस्लिम विरोधी नहीं हैं और आपने लोगों को गलत साबित कर दिया। खैर, फिलहाल वो महत्वपूर्ण बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने खड़ा नहीं हुआ, उसके बाद वो खामी बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है, यह हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा नेतृत्व हम पर किस मुंह से विश्वास रखेगा जब 50 साल पुराने नेता, जिनको इतने पदों से नवाजा गया, वो ऐसा धोखा दे सकते हैं? तो बताइए हम पर किस तरह से हमारा नेतृत्व भरोसा करेगा? हम सबका भरोसा तोड़ा, पार्टी का भरोसा तोड़ा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो एक टिप्पणी की थी कि आज मैं आजाद हो गया हूं। 2 दिन से जो इनकी टिप्पणियां हम सुन रहे हैं, तो हमें भरोसा हो गया है कि आप गुलाम हो गए हैं, आजाद नहीं हो। तो यहां पर रही बात तोहफे की, सम्मान की और गुलाम नबी आजाद की, पर इन तीनों बातों में एक बात स्पष्ट निकल के आती है कि अगर सम्मान मिल रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसको लेकर अपनी आप को संतुष्ट दिखाना चाहिए। खैर, यहाँ पुरस्कारों की मांग होती रहती है और तमाम ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर लगातार कहा जाता है कि संबंधित इंसान इस पुरस्कार की योग्य था, उसको वो पुरस्कार नहीं मिला,
खैर यह मुद्दा मुलायम सिंह यादव की छवि को लेकर, उनकी शख्सियत को लेकर नहीं, उन्ना गुलाम नबी आजाद की बात को लेकर है। पर यहाँ मुद्दा एक ये है कि जिस तरह से यहाँ पर पवन खेड़ा का बयान आ रहा है और रसीद अहमद कादरी ने जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कही कि आपने लोगों को गलत साबित कर दिया। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है, हमारे साथ मेहमान जो चुके रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से केसी भाई अपनी बात रखेंगे, नेता सपा प्रवक्ता सपा से कपिल श्रीवास्तव भाई अपनी बात रखेंगे और विशेष ग्रुप में यहाँ पर दिलीप हर्षवर्धन अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो कपिल श्रीवास्तव से रहेगा। कपिल भाई, सम्मान मिला और सम्मान के बाद यहाँ पर जिस तरह से ट्वीट आए हैं, एक तरफ तो बात कही जा रही है स्वयं प्रसाद मौर्य द्वारा और दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव द्वारा, कल सम्मान मिला है और सम्मान के बाद यहाँ संतुष्टि होनी चाहिए। हालांकि कई बार ये कहा गया कि मुलायम सिंह यादव पूर्व रक्षा मंत्री, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो योग्य है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर फिर राजनीति होनी शुरू हो गई है, फिर बयानबाजी शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं? और जिस तरह से रसीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री को स्पष्ट कम शब्दों में कहा कि आपने लोगों को गलत साबित कर दिया, कहीं ना कहीं एक जो धरा है कहीं ना कहीं भाजपा के साथ झुकता नजर नहीं आ रहा आपको? जी, कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो ये जी सम्मान हमें प्राप्त हुआ है जी, ये भारत का सर्वोच्च दूसरा नंबर का सम्मान जी, पद्म विभूषण जी, इसके लिए हमने भारत सरकार को धन्यवाद कर दिया जी। दूसरी चीज आपको हम एक बात जी कि हमारे नेता हमारे कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद थी जी कि उनके व्यक्तित्व व कृतित्व जी तथा देश एवं जनता के प्रति जो उनका समर्पण रहा जी, जो नेताजी का सामाजिक समरसता व समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बल रहा है और उन्होंने अपना जीवन त्यागा है उसकी जी, बिल्कुल। साथ ही आपने देखा होगा कि जब वो रक्षा मंत्री हुए जी, तो जो हमारे नौनिहाल, जो हमारे किसान के लड़के, जो हमारे गरीब और गुरबा के लड़के जी सेना में जाते थे जी और उनकी शहादत होती थी तो केवल टोपी आती थी, बिल्कुल जानकारी है मुझे जी, लेकिन पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ जी माँ भारती के तिरंगा में लपेट के उनका शव आता है घर पे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको 21 बंदूकों की सलामी दी जाती है जी, चाहे उनके गांव में दी जाए चाहे जहां वो अंत्येष्टि करे जी, ये माननीय नेताजी के द्वारा, बिल्कुल आपको याद होना जी कि नेताजी ने रक्षा मंत्री होते हुए सुकोई जैसा विमान भारत को दिया जी और उन्होंने असलियत खोल के चीन की रखी कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चीन है जी, और आज देखिए वो साबित भी हो रहा है जी। तो उनके व्यक्तित्व कृतित्व को देखते हुए जो भी आकलन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की है उनको मैं धन्यवाद तो देता हूं जी, लेकिन हमारे जो अपने नेतागण हैं, जो हमारे अपने कार्यकर्तागण हैं जी, जिनकी उम्मीद थी कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, आखिर फिर भारत रत्न मिलना कितने चाहिए जी, जिन्होंने अपनी इतनी जीवन की कुर्बानी दी है जी और एड़ी से चोटी तक की लड़ाई देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना के लिए लड़ी जी, एक नई पार्टी बनाए और पार्टी के अंदर समाजवाद की अलग जगह है और आपने देखा वो पार्टी चार चार बार मुख्यमंत्री देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया जी। तो ये हमारी जरूर एक अपील है भाजपा सरकार से कि आपने दिया आपको धन्यवाद है, लेकिन हकीकत ये है कि वो पात्र थे भारत रत्न के, जो नहीं मिला है उसका गम है हमें। यह गम भी है किसी भाई, भाई भारत रत्न के योग्य थे, उनको मिलना चाहिए था। फिलहाल धन्यवाद तो दिया है कपिल श्रीवास्तव ने, पर कहा है कि शायद अगर वो मिलता तो ज्यादा खुशी होती। इस बात का रंज भी है कि उनको भारत रत्न नहीं मिला है। कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में जी जो चीजें कपीश जी ने कही जी वो कहीं पे गलत थी जी। उनका भारत देश की राजनीति में योगदान, रक्षा मंत्री रहते हुए उनका योगदान जी, और गरीब जनता की लड़ाई लड़ते रहना जी, इस चीज को राजनीति से हट करके भी जी जो समाज से ही वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको साहस इस बात को स्वीकार करता है जी।
रही बात ये कि जो पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत पुरस्कार जो दिया गया जी, तो देखिए जब भी पुरस्कार बढ़ते हैं तमाम सारे लोगों के नाम आते हैं, तमाम राजनीति उस पे होती है जी। लेकिन हमें लगता है कि गौरव जी कि जी तो नामों की लिस्ट में से किसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा इसका चयन होता है जी, चयन कमेटी उसका चयन करती है। और रही बात उनको भारत रत्न पुरस्कार देने की, तो ऐसा नहीं है कि आगे का रास्ता उनके लिए बंद है। अच्छा, क्योंकि तो क्या होता है कि भारत रत्न के लिए जिन लोगों के नाम जाते हैं उनमें से कई बार ये देखा गया है कि आगे चल करके भी कई सारे लोगों को इस तरीके के सम्मान मिले। बिल्कुल मिले हैं। तो देखिए जो सम्मान मिला है सम्मान की सराहना होनी चाहिए, सम्मान के लिए उसको साहस स्वीकार करना चाहिए। हमें लगता है कि जहाँ पे इस तरीके की और जो पुरस्कार मिला है कोई छोटा पुरस्कार नहीं है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको साहस स्वीकार किया है जी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में गाहे बगाहे तमाम सारी चर्चाएं होती है जी। और चर्चाएं होना अलग बात है, लेकिन बड़ा सम्मान है, बड़ा पुरस्कार है। अच्छा। और देखिए बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं और ये चयन समिति उसको चयन करती है, और हमें लगता है कि तमाम सारे लोगों का नाम जो चयन एक बार नहीं हो पाता है। अच्छा। तो अगले वर्ष या अन्य अगले वर्ष में भी चयन। अच्छा, अगला मिल सकता है। कपीश भाई सुन रहे हैं आप? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि उनका नहीं हो रहा हूँ कि जयंत साहब जो है कम से कम योगदान था, उस योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जी। और इसको किसी भी पार्टी का देता हो, अच्छा, माननीय मुलायम सिंह जी के जो राजनीतिक योगदान रहा और जनता की लड़ाई। अच्छा, गुलाम नबी आजाद और नसीर अहमद कादरी पे बता दी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से यहाँ पर तारीफ हो रही है, पुराने नेता है, लंबा उनका पॉलिटिकल अनुभव रहा है, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री तारीफ की तो कांग्रेस को यहाँ दर्द भी हुआ, और जो नसीर अहमद कादरी ने कहा उसको लेकर क्या कहेंगे जी? देखिये गौरव जी, ये बात तो सही है कि शाह रशीद अहमद कादरी ने जो बात कही उसमें वो तो स्वयं उनके विचार है। अच्छा। उनकी तरफ से किसी पार्टी के नेता ने तो कहा नहीं है, बिल्कुल ना, तो उनकी तरफ से कोई भारतीय जनता पार्टी का बयान है। उन्होंने जो अनुभव किया जब उन्होंने स्वयं कह दिया, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि उनके बयान पर कोई टिप्पणी करने के लिए कुछ रह जाता है। और वो राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है। अच्छा, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है, वो कलाकार शिल्पकार है। वो जिस तरीके से, हाँ, जिस तरीके से वो जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसमें उनको सम्मान मिला, और लंबे समय से काफी पहले उनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब उनके पास लिस्ट भेजी गई और चयन समिति ने उनका नाम तो नहीं, वो उनका कह रहा है कि प्रधानमंत्री को ने सबको गलत साबित कर दिया, पर विपक्ष तो आपको आरोप लगाता है कि केवल आप 80-20 की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। देखिए गौरव जी, तमाम सारी चीजें ऐसी होती है जी जो राजनीति से इतर होती है। अच्छा। वहाँ पे राजनीति होती जरूर है। अच्छा। लेकिन कुछ जगहों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। अच्छा। जो व्यक्ति जिस योग्य है, जिसको जो सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा। वहाँ जाति धर्म राजनीति क्षेत्र। अच्छा, तारीफ कर दी तो राजनीति दूर रखे, अगर बुराई कर दी तो राजनीति बना लेते हैं आप? नहीं, देखिए नसीर अहमद कादरी बुराई कर देते तो राजनीति का केंद्र बन जाता, तारीफ कर दी तो उसको आप नहीं बोलेंगे? हाँ, नहीं गौरव जी, देखिए उन्होंने जो अनुभव किया, जब 10 साल तक तो कांग्रेस की कंटिन्यू सरकार रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, तमाम अच्छा। सारे और वो कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं, अच्छा। अगर उसमें इस तरीके के महान कलाकार का, इस तरीके के महान व्यक्ति का नाम कांग्रेस से छूट जाता है और आज वो स्वयं मंच से खड़े होकर के इस बात को कहते हैं कि हमें जिस पार्टी के रहते हुए उम्मीद नहीं थी उस पार्टी के रहते हुए हमें सम्मान मिल रहा है, और जिससे हमको सबसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी वहाँ सम्मान नहीं मिला। अच्छा। तो यहाँ पे राजनीति और गैर राजनीति की क्या बात है? अच्छा। यहाँ पे जो स्पष्ट तो आपने पर आपने लेकिन गौरव जी, गौरव जी जो बात आप राजनीति करने और ना करने की कह रहे हैं कि अगर बुराई होती, हाँ। तो देखिए जो चीजें उन्होंने अनुभव की वो उन्होंने शेयर की, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस जो डंका पीटती अपना कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया, उसके बाद में ऐसे लोग अछूते क्यों रह जाते हैं, ऐसे लोग कैसे छूट जाते हैं? अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, ऐसे में बात तो उभर के आई भाई, किसी भाई एक बात और समझ लीजिए, उस दौरान उन्होंने एक बात जो और कही ना, उस बात का अर्थ समझिए कि मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आपकी सरकार में मुझे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी जा रहा है कि ये वर्ग जानता है कि आपकी सरकार में लाभ नहीं मिलेगा या सम्मान नहीं मिलेगा, एक बात उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दी।
ये तो आपके नकारात्मक बात रहेगी बिल्कुल। गौरव जी क्या जी? है कि एक प्रोपोगंडा खड़ा किया। अच्छा प्रोपोगंडा खड़ा किया, प्रोपोगंडा खड़ा करके एक प्रशासन समाज के अंदर बनाया गया। अच्छा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि मुसलमानों के लिए कोई योजना नहीं। अच्छा जबकि जो विपक्ष है, विपक्ष जो ये कहता है कि सबसे ज्यादा सुशिक्षित तुम्हारे हम है, यही विपक्ष जो मुस्लिम वर्ग है उनको पंचर की दुकान से, उनको दूध बेचने के काम से, उनको ब्रेड बेचने के काम से, इन सारे कामों से उभार करके वो मेन स्ट्रीम में अभी तक क्यों नहीं ला पाए। अच्छा वो केवल दिखाते रहे कि हम आपके लिए काम करते हैं और उनकी वोट की जो उनको वोट बैंक समझ करके उसका शोषण करते रहे एक तरीके से। इसीलिए गुलाम नबी आजाद भी कहते हैं कि कांग्रेस में मैं इतने दिन तक रहा लेकिन जो कांग्रेस को करना चाहिए मुसलमानों के लिए वो काम कांग्रेस ने नहीं किया। अच्छा। कांग्रेस ने एक प्रतिशत तय किया। अच्छा। और एक वोट बैंक ना कांग्रेस ने किया ना सपा ने किया बीजेपी ने किया है ना। नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी जी, देखिये गौरव जी स्पष्ट बात है यहाँ पर। अच्छा एक अच्छा प्रश्न पूछा है, मेरी बात आ जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मॉडल को लेकर के विश्वास भूल गया। हमने क्यों कहा ये बात कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं है। चलिए इसमें क्या है कि जैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब क्या था कि ये बेरोजगारी भत्ता बांटते थे 500 रुपए महीने। अच्छा। उसमें भी घोटाला करते थे, उसमें भी जो चयन लिस्ट नाम आती थी तो उसमें जाति धर्म को देख देख करके चयनित करते थे। अच्छा कि किस 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 व्यक्ति को चयन करना है, किस व्यक्ति का चयन नहीं करना। भारत तो बहुत सारे लोगों ने भरा, किसको देते थे? कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम वर्ग को दिया लेकिन मुस्लिम वर्ग को सिर्फ 500 रुपया महीना दिया। अच्छा उनको रोजगार नहीं दिया। अच्छा उनको रोजगार नहीं दिया 500 रुपया। ठीक है ठीक है, बाकी मेहमान भी किसमें दोबारा आता हूँ आपके दोबारा आता हूँ। दिलीप एस वर्धन, दिलीप भाई यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण मुद्दे, चर्चा छोटी है पर मुद्दे तीनों है यहाँ पर। सम्मान उससे गुलाम नबी आजाद का बयान और उसके बाद रसीद अहमद कादरी को एक ऐसा सम्मान जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी, कैसे देखते हैं? देखिए सम्मान मिला है तो अच्छी ही बात है, इसको खराब नजर से तो देखा ही नहीं जा सकता है। आदरणीय मुलायम स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को जी। भारत के सेकंड हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड से नवाजा गया है जी। तो एक अच्छी बात है, सम्मान की बात है। अब उस पर ये जो कहा जा रहा है कि भारत रत्न मिलना चाहिए था तो भाई मिलना चाहिए था का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार जब नॉमिनेशन करती है किसी भी अवार्ड के लिए तो वो सरकार के जो अपने क्राइटेरिया होते हैं उन क्राइटेरिया पे, जैसे भारत रत्न का जो नॉमिनेशन होता है वो शायद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जी। तो उनकी अपने गाइडलाइंस होती हैं और जो मेजर क्राइटेरिया होता है भारत जी। दिलीप भाई की आवाज नहीं आ रही है, है। जी आवाज नहीं आ रही है मेरी? बोले 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 आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। उसमें जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज में सेवाओं के बिहाव पर भारत रत्न दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद जो मुलायम सिंह जी थे उनकी जो राजनीति का क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश था, वो हालांकि भारत के रक्षा मंत्री रहे थे और जो समाजवाद की अलग उन्होंने जगाई वो अलग मुख्यतः उत्तर प्रदेश में जगी थी, पूरे देश में नहीं जग पाई थी। मुझे लगता है कि यही कारण होगा कि उनको फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड ना देकर के सेकंड हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। ये अच्छा। मेरा अपना आकलन है, बाकी क्या है मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता जी। और जो कादरी साहब को अवार्ड मिला है वो उनकी उम्मीदों पे कब मिलना चाहिए था और कब जाकर के मिला है तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, उनको भी बधाई और समाजवादी पार्टी को भी बधाई कि एटलीस्ट पॉलिटिकल राइवलरी होने के बावजूद भी जो नेताजी की सेवाएं थी इस देश, इस प्रदेश और इस देश की जनता के लिए उसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया। ये एक बड़ी बात है और ये तारीफ की बात है कि सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया, जबकि 2024 में अभी आपको 36 का आंकड़ा दिखेगा या 36 से बड़ा भी कोई आंकड़ा हो सकता है तो वो भी दिखेगा आप उस चुनाव में और हमेशा दिखता रहा है। लेकिन ये सरकार की जो सरकारी मर्यादाएं होती हैं उन मर्यादाओं को निभाते हुए सरकार ने सम्मान दिया, अच्छी बात है। अब गुलाम नबी आजाद का जो मामला आपने पूछा है, देखिए ये पॉलिटिकल कमेंट है कि अगर प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ करी, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करी तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गलियारों में अच्छा नहीं माना जाता है कि अगर आप एक्स पार्टी के हैं और आप सत्ता की पार्टी का सत्ता के लोगों की तारीफ कर रहे हैं, वो भी संसद में खड़े होकर के कर रहे हैं, तत्कालीन मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री की कर रहे हैं या प्रधानमंत्री आपकी कर रहे हैं तो इसके राजनीतिक कयास कुछ और लगाए जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सत्ता के लिए काम कर रहे हैं और सत्ता आपको कोई ना कोई लाभ देना चाहती है, आपको लाभ देने का लालच दिया है इसलिए आपने
सत्ता की तारीफ करी जी। तो ये राजनीतिक मायने हैं, ये शब्दों के हिसाब से निकाले जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से निकाले जाते हैं और ये निकाले जाते रहे, इस पर कभी कोई रोक नहीं लग सकती है। दिलीप भाई, पर यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है ना कि रसी अहमद कादरी ने जो बात प्रधानमंत्री छोटी चर्चा के दौरान कही कि उन्हें उम्मीद नहीं थी, यूपीए सरकार में उन्होंने प्रयास किया पर उन्हें एनडीए सरकार में उम्मीद नहीं थी कि उनको पुरस्कार मिलेगा, कहीं ना कहीं इस बात का भी मानना लगाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस वर्ग को ये लगता है कि शायद ये हमारे साथ अच्छाई नहीं होगी, ये भी एक कयास लगाए जाते हैं। दिलीप भाई, क्या आपके क्या इसको आप दूसरी नजर इसको आप दूसरी नजर से भी देख सकते हैं कि इस वर्ग को वोटों के ध्रुवीकरण के लिए काफी कुछ कहा भी जाता है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में तो काफी बातें कही गई हैं, तो वो स्टेटमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हैं, 2024 में पूरे देश में चुनाव हैं, तो एक तरीके से जो मरहम लगाने का काम है उस वर्ग के ऊपर वो हो सकता है इस अवार्ड के माध्यम से किया गया, ये दिखाने के लिए कि हमें अच्छा काम करने वालों से नफरत नहीं, और ये सत्यता भी है कि जो जो मुसलमान वर्ग का व्यक्ति है, जो देश का अच्छा सच्चा नागरिक है, उसे किसी भी सरकार को दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमेशा उन लोगों को होती है जो आतंकवादी होते हैं, उनके लिए हमेशा बातें कही जाती है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जनरलाइज करके दिया जाता है उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे भाजपा के द्वारा मक्खन लगाने का काम इस अवार्ड के माध्यम से कपिल श्रीवास्तव बताएंगे। कपिल भाई, दिलीप भाई कह रहे हैं मक्खन लगा रही है बीजेपी और यहाँ पर मरहम लगा रही है, चुनाव आ गए हैं और यह सम्मान मिल गया तो अच्छी बात है, यहाँ पर तुमसे पूछा ये वर्ग अगर बीजेपी के साथ आ रहा है, समय समय किसी भाई बोलते रहते हैं कि इस वर्ग के वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, तमाम ऐसी जीते हैं उत्तर प्रदेश में जो स्पष्ट करती साबित करती है कि ये वर्ग का भी झुकाव बीजेपी तरफ हो रहा है। जी देखिए एक बात होता है जी, तो कहते हैं कि सकारात्मक राजनीति करिए जी, देश के जितने नागरिक हैं उनकी जाति और धर्म कतई मत देखिए जी, लेकिन इनके तमाम नेता हैं जो बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, कोई कहता है कि जालीदार टोपी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, संवैधानिक पद पे बैठ के जी, कोई नेता है वो कुछ दूसरा कहता है, एक नेता है वो डॉक्टर कपिल जैसे लोग जो पेड्रियाटिक हैं उनको टॉप 10 का 10 का गुद्दा बना देता है राजघाट का जी, और 9 महीने उठा के एनएसी में बंद कर देता जी। तो देखिए जो ये सब चीजें हैं और जो भारतीय जनता पार्टी, हम तो कह रहे हैं कि भैया वो सभी आपके जी, हम तो समझते किसी भी राजनीतिक दल को किसी जाति धर्म में बांट करके नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल इस देश के इस प्रदेश के नागरिकों का सम्मान होना चाहिए, वो किसी धर्म और जाति के हो। अच्छा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन ये करते हुए नजर कहाँ आते हैं। हाँ, ये जरूर है अच्छा कि अगर आप आज से भी जाग रहे हैं तो हम आपका वेलकम करेंगे। अच्छा, अगर आप आज से भी जाग जाए तो हम आपका वेलकम। अच्छा, आप भी जाग गए, इसलिए काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर दिया आप लोगों ने, आप लोग भी जाग गए हैं। मैंने आपको बार बार एक बार जी कि जब बहुजन की बात होती है, बहुजन हाँ। हिताय बहुजन सुखाय की बात होती है अच्छा, तो शोषित और वंचित समाज की तो लड़ाई लड़ने के लिए 92 में हम बने। अच्छा, और कांशीराम जी और माननीय नेताजी ने साथ चला था कि नहीं चला था? बिल्कुल चला था। और ये देखिए आप एक चीज देखिए कि जब से नई हवा है नई सपा है का नारा गूंजा, अच्छा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहन जी को वो सारी सीटें उंगली पे दी जो उन्होंने जहां जहां उंगली पे रखा। अच्छा, और उसके बाद भी 10 सीटें उनके जीरो से हो गई और हम 5 की 5 रह गए, बावजूद इसके हमने कोई शिकायत नहीं। अच्छा, बहन जी की कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्होंने प्रेस वार्ता करके एक तरफा गठबंधन तोड़ दिया। हम तो आज भी कहते हैं कि गठबंधन हमारा नहीं टूटा है, हमने नहीं तोड़ा है, उन्होंने तोड़ा। चलिए बात पहुंचा दूंगा। तो हम तो हमेशा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लेकर के चलना चाहते रहे हैं। अच्छा, और शायद उसी की बानगी रही है कि आप देख लीजिए कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक थे वो बहन जी के साथ नहीं खड़े हुए 2007 के बाद। अच्छा, क्योंकि 2012 में 80 सीटों पे आ गई, 2017 में 19 सीटों पे आ गई और 2022 में मात्र 1 सीट पर आ गई जी। और जो हमारे वोट थे वो 13.5% बढ़े हैं। अच्छा, और बहन जी के करीब करीब 12% वोट घटे हैं। अच्छा, तो वो तो आप आकलन करके देख लीजिए, देखिए जनता देख करके चलती है। बहुजन हिटाए बहुजन सुखाए पर थोड़ा समय चुनाव है निकाय, बहुजन तभी है, बहुजन तभी है जी जब 22% जी जो है ये ओबीसी समाज आपके पास आता है तो आप समझिए कि आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर। अच्छा, और 80-20 की लड़ाई ये लड़ाते हैं। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि केसी भाई आज से छोड़ दीजिए। अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, आपको सराह देता हूँ। अच्छा, लेकिन अन्य लोगों पर
बरपाइये का मत कहर, एक को इनाम दीजिए और 100 पे बरपा दीजिए कहर, तो वो मत कीजिए। किस पे बरपाएंगे किसी भाई, किस पे बरपाने वाले भाई, बड़ा दर्द हो रहा है इनको। देखिए ना, तमाम लोगों पे करते हैं कुछ लोग। अरे नाम लेता किसी बता दीजिए, कपीस भाई किस पे बरपाने वाले हैं बता दीजिए। कपीस भाई आपको मैं एक बात करूं, ये तो तमाम है, जैसे डॉक्टर कपिल जैसे सज्जन आदमी, अच्छा अच्छा, जिसने अपनी पूरी सांस लगा दी छोटे बच्चों की जीवन के रक्षा के लिए, आप उनको फर्जी मुकदमे में फंसा दिए। अच्छा अच्छा, और उसके बाद जब उसमें चार्जशीट तक नहीं ला पाए तो आपने उनको जो है देश तोड़ने वाले में फंसा दिया। बोला आपने किस पे बरपाने वाले हैं आप? मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि जिनसे मंत्री आपके 5 करोड़ रुपए लेते हैं गौरव जी, ऐसा है की अभी हमने आपसे पहले भी कहा जी की जहाँ पर पुरस्कारों के और सम्मान की बात हो जी, वहाँ पे इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी के हाथ में कुछ बचा नहीं। अच्छा, बचा नहीं। अभी क्या है, नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, उसके बाद में 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। अब ये जो है किस तरीके से वर्गों में बांटे, समाज को बांटे, आपस में बांटे, केवल और केवल बांटने की राजनीति ये लगातार कर रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्या जी को चुना है। अच्छा, चुना जो है। कुछ अखिलेश यादव जी को कहना होता है जी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुंह से कहलाते हैं। अच्छा। लेकिन प्रवक्ता बना दिए क्या? आप बच जाएंगे जी, उससे आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा। अभी आप देखिए, फिर हिंदुओं को अपमानित करने की बात इन्होंने कही स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, ठीक है। भगवान राम पे तमाम सारी टिप्पणी आती है, भगवान राम पे भी टिप्पणी उन्होंने की, कभी रामायण जलवाते हैं, कभी पंक्तियां जलवाते हैं, और जिसको अखिलेश यादव जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ। हाँ। और यही समाज जिसको कहते हैं कि जो है मैं शूद्र हूँ इसलिए मैं पीछे हूँ, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब इनको कौन वहां तक पहुंचाता है अगर समाज इनको सम्मान नहीं दे रहा है तो। अच्छा। तो देखिए, राजनीति में धीरे धीरे जाति और धर्म की राजनीति समाप्त हो रही है। अच्छा। और विकास की राजनीति धीरे धीरे हावी हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, विकास की राजनीति जिन्होंने कभी की नहीं है, जो एबीसीडी नहीं जानते विकास की राजनीति का, केवल और केवल धर्म और जाति की राजनीति जानते हैं, तो वो घुमा फिरा करके वहीं पे लेकर के आएंगे। अच्छा। इसीलिए स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने भगवान राम पर फिर उसी तरीके की टिप्पणी की। अच्छा। उड़ गए हवा में, उड़ गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं क्या उनसे ये बोलने के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये बताइए, जैसे कि जब रामायण जलवाई उन्होंने तब क्या अखिलेश यादव जी की एक भी टिप्पणी निकली कि नहीं, ये गलत है। अच्छा। जब भी उनके कोई बयान आए तो क्या पार्टी ने अपने आप को उससे किनारा किया? नहीं। अच्छा, किया। अच्छा। और इतना मनबल और उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं। अच्छा। जब ये रामायण जलवाते हैं, जब रामायण की पंक्तियां जलवाते हैं, जब अनाप शनाप बोलते हैं हिंदू समाज के बारे में, पूरे जी, पूरे सनातन संस्कृति के बारे में, तब उनको पार्टी करा। अच्छा, कपीस भाई जी, कपीस भाई पुरस्कृत किया जाता है, किसी भाई करने का क्या मतलब? कपीस भाई नहीं, बात सुनिए, किसी भाई सुन लीजिए, उनकी सहमति और उनकी सहमति, आपने महत्वपूर्ण बात नहीं ली जी। कपीस भाई ने एक बात और कही थी कि एक तरह से पुरस्कार दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप बेसिक बर पर यहाँ पर कैर भर पा रहे हैं, कैर मत भर पाइए आप लोग, गलत बात। नहीं नहीं, देखिए 5 करोड़ भी लेते, कैर भी भर पा लेते, गलत बात है जी। देखिए, आरोप लगाया 5 करोड़ पांच करोड़ की बड़ी बात कही उन्होंने, 5 करोड़ भी लेते हैं और कैर भी भर पाते हैं आप, और मीडिया कवरेज भी देते हैं जी। गौरव जी जी, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। अच्छा। अगर प्रदेश और देश का विकास चाहते हैं तो। अच्छा। जब तक धर्म और जाति की चाशनी में अच्छा जनता को लपेट करके उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे जी, तब तक वोट बैंक के रूप में वो इस्तेमाल करते रहेंगे, वोट तो मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। ठीक है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी चीजों को किराए रख करके, आप ये बताएं उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी योजना है जिसमें मुसलमान भाइयों को लाभ नहीं मिल रहा है? अच्छा। सबसे ज्यादा आवास मुसलमान भाइयों को, तो कहते रहे केयर न भर पाइए आप, योजना दीजिए केयर न भर पाइए, शौचालय मुसलमान भाइयों को मिले। और ये चीज है जो अत्याचारी है, जो हत्यारा है, जो लुटेरा है, जिसके ऊपर न्यायालय कार्रवाई कर रहा है, वो विधिक कार्रवाई है और विधि के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, संविधान के समक्ष सब बराबर है। वहाँ जात से मतलब नहीं है, वहाँ मतलब अपराधी से। अच्छा। अगर कोई अपराधी है, अगर कोई लुटेरा है, कोई हत्यारा है, तो वो देखा जाता है कि ये 302 का मुलजिम है। अच्छा। ये नहीं देखा जाता इसके पीछे टाइटल क्या है। अच्छा। वो ये देखा जाता किस धारा का मुलजिम है। अच्छा। इसने क्या क्राइम किया है। अच्छा। उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा
हमेशा मुसलमानों को बचाने के लिए मैदान में उतर आती है और अपने आप को शो करती है सबसे ज्यादा। मुसलमान क्यों बोले, अपराधी बोले ना, आतंकवादियों के मुसलमान क्यों बोले, आतंकवादियों के आतंकवादियों के मुकदमे ही क्यों ना वापस लेने हो। अच्छा, अब ये कहते रहिए बहुत बहुत शांतिप्रिय समाज है, अच्छा इसकी रक्षा करिए, लेकिन जाति और धर्म का नाम लेकर के क्यों उनकी रक्षा के लिए आती? पूछ लेता हूं। पर्टिकुलर कपिल भाई, कपिल सिंह से पूछ लेता हूं। कपिल भाई, ये आदमी दोषी नहीं, बहुत दर्द है भाई इनको। कपिल भाई, जाति और धर्म के आधार 5 करोड़ पर नहीं बोले हैं भाई जी। कपिल भाई बहुत दर्द है पर किसी भाई 5 करोड़ पर नहीं बोले हैं आपकी बात पर। सर वो नहीं बोलेंगे, कहां पे बोलेंगे? अच्छा, किसको देवरिया जेल से हेलीकॉप्टर पे बैठा के अहमदाबाद ले जाएंगे जी, ठीक है ना जी। और बरेली में पूरा परिवार घर में बस रहा होगा, जेल के अंदर घर बसाया हुआ होगा। अच्छा, जहाँ से तार ऐसा अहमदाबाद से जुड़ेगा जी कि सारी हत्या की जिस तरीके से रूपरेखा बाद में पता चलती है इनको जी, वो पहले नहीं पता चलती। अच्छा, और फिर फिल्मी शूटिंग होती जी, मोबाइल और वीडियो कॉल चलते हैं और हुजूर सो रहे होते हैं जी, तो ऐसे तो नहीं हुजूर सोते हैं जी। बिल्कुल, जब 5 करोड़ लेंगे तो सोना पड़ेगा जी, सोना पड़ेगा जी। और ध्रुवीकरण कैसे होगा जी? पुराकरण ऐसे ही होगा कि 3 को सजा और 7 मुक्त हो गए। 3 को सजा और 7 मुक्त जी, ये 7 मुक्त कैसे हो गए? अच्छा भाई, वो एक चीज बताइए, जब आपने सब पर आरोप लगाया तो ये 7 कैसे मुक्त हो? अच्छा, तो ये सब बातें हैं, बहुत गंभीर बातें। अच्छा, और मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ जी कि भाई जब से जागो तब से सवेरा, लेकिन आपके मंत्री जी और आपको कम से कम मंत्री जी को इस्तीफा दिलाना चाहिए, एक FIR दर्ज होना चाहिए। कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? जांच होनी चाहिए। कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? अरे भाई, जिस शाइस्ता प्रवीण सह अभियुक्त ने बयान में लिया है, उनकी बहन ने लिया है, नंदगोपाल नंदी का लिया है। अच्छा अच्छा, हमको लेने में क्या इतराज है? पीछे देखिए सरदारी विधि की किताबें है जी, उसी में डील कर, तो हमें नाम लेने में कोई हर्जा नहीं लीजिए। पर कपीस भाई, यहां पर अभियुक्त के बयान पे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है जी, जेल हो सकता है जी, तो इनकी क्यों नहीं हो सकती जी? कपीस भाई एक सवाल रहेगा, सब अभियुक्त के बयान पर जी, पी चिदंबरम साहब की गिरफ्तारी हो सकती जी, है जी, कपीस जी हुजूर के नहीं आवाज नहीं पा रही पाके हैं बोलता हूं जी, और आप हुजूर के ही वो आदमी है जी। कपीस भाई, 2018 में फूलपुर का जो चुनाव था, उपचुनाव वो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध ही लड़े थे अतिकम। अच्छा ठीक है कपीस भाई, यहाँ पर मशीन में सब सफेद जी जी। कपीस भाई, यहाँ पर केसी जैन का कहना ये था कि आप लोग अपराधी की बचाव की बात क्यों करते हैं? अपराधी है, सजा याफ्ता है, उस पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप क्यों दर्द हो रहा भाई जी? गौरव भाई दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है हाँ कि ये दो ही आदमी पे कार्रवाई कर रहे हैं, और हमने कहा कि 100 पे करो। अच्छा, 100 की लिस्ट दे दो। अच्छा, ब्रजेश सिंह पे भी कर दो। 106 मामले हैं जिसमें 36 मामले हत्या के हैं। अच्छा गौरव जी, लेमनचू से तो नहीं हुई होगी हत्या, होती है क्या? बिल्कुल, गौरव लेमनचू से भी, या गोरख स्ट्रीट पर हमला करने गया था जो व्यक्ति, वो भी तो उसको भी क्लीन चिट दे दिया, चाकू मारा गया होगा, बमी फेंका गया होगा। किसी से कुछ बोल रहा है कभी भाई? किसी ने कुछ बोल रहा है? पागल है, और बाद में आतंकवादी निकला आतंकवादी। कपीस भाई किसी ने कोई मेंबर बार बोल रहा है? विधायक ने थी उसी पे कार्रवाई कर दो। पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेके आया था वो। अच्छा, बाद में वो आतंकवादी निकला पूछताछ में। अच्छा, और वो स्लीपिंग मॉड्यूल बन के भी बहुत लंबे समय तक काम करता रहा, वो बाकी लोगों को प्रशिक्षण भी देता था आतंकवाद का। अच्छा, इतना खूंखार अपराधी जिसको अखिलेश यादव जी ने क्लीन चिट दे दी। अच्छा, केवल और केवल इस नाते कि जो गोरक्ष पीठ में हमला करने के लिए जो व्यक्ति घुसा था। अच्छा, वो समुदाय विशेषता से था। अच्छा, इसने उसको क्लीन चिट दे दी। कह रहे नहीं, ये तो बेचारा है। अच्छा, इसको जाने दीजिए। और न्यायालय ने उसको क्या सजा दी ये सबको मालूम है। तो कुल मिला करके केवल और केवल ये देख करके कि इसके ये किस समुदाय का है, इस हिसाब से अगर निर्णय लेंगे जी, तो जनता इनको खारिज कर देगी सिरे से। अच्छा, और खारिज किया 2014 के इलेक्शन में, खारिज किया 2017 के इलेक्शन में, खारिज किया 2019 के इलेक्शन में, खारिज किया 2022 के इलेक्शन में, खारिज किया। अच्छा, तो जनता लगातार इनको खारिज करती चली आ रही है। अच्छा, ये इनके क्रियाकलापों का परिणाम। अच्छा, ऐसा नहीं है जी, ये किसी भाई किसी भाई का परिणाम है कि जनता ने इनको लगातार खारिज किया। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर से 37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी रिपीट हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सरकार रिपीट हुई। क्यों रिपीट हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मॉडल पे काम कर रही है। कैसी भाई? इसमें कोई वर्ग कोई छूता नहीं है। मेरे आपको दो सवाल रहेंगे। कोई योजना है तो उसको लाभ ना मिले। समय 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 मेरे दो सवाल आपसे रहेंगे। आपने कहा कि अखिलेश यादव सपा पार्टी को जनता ने खारिज किया, 17 में 47 सीटें और 22 में 111 सीटें, यहाँ तो आंकड़े बढ़ गए। आपकी सीटें कम हो गई 50 से ज्यादा सीटें, तो यहाँ पर नुकसान तो आपको हुआ, सपा को फायदा हुआ। जी असली कम हो गई। जी इस तरीके से तो हमें लगता है कि जब 2017 के इलेक्शन में जी बीएसपी सरकार को हरा करके समाजवादी पार्टी आई थी जी, तो बीएसपी को भी खुश होना चाहिए था कि भाई बीएसपी जो है बिल्कुल साफ नहीं हुई है, सत्ता पर हो गई तो क्या हो गया। अच्छा। जबकि बीएसपी के वोट में और समाजवादी पार्टी के वोट में मात्र 2% का अंतर आया था। 2% का अंतर दिलीप भाई को लेता हूं। जीत और हार में जब सरकार बनी थी 2% और ज्यादा था जी बीएसपी का 2007 के इलेक्शन में जी, और जब 2012 का इलेक्शन हुआ जी 2012 के इलेक्शन में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जी, तो केवल 2% वोट गिरा था बीएसपी का। अच्छा। तो देखिए बात ये नहीं है कि आपकी सीटें कितनी बढ़ गई, लेकिन कितनी सीटें बढ़ गई, क्या आप 111 सीटें ला करके क्या आप इस कंडीशन में है कि आप दावा कर सकते हैं तो है भाई। आप सरकार बनाएंगे? नहीं मानते क्या? सरकार बनाने के दावे के करीब आ गए क्या जी? लेकिन हमारी सीटें तो इससे दो गुनी है। अच्छा। तो हम हार गए भाई, कितना हमारी अब से 50% भी रही है तो जीत गए। चलिए चलिए, कौन सा आकलन है भाई? जवाब लूंगा। अगर इस आकलन से खुश है तो बधाई। हमेशा ही इसी कंडीशन पे रहे। चलिए ठीक है, हमेशा इसी कंडीशन पे रहे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के 50% पे हमेशा रहे। अच्छा। इनको बधाई इस जीत की। लीजिए ठीक है, कभी मैं जवाब लेता हूँ। दिलीप भाई, यहाँ पर जैसे चर्चा चल रही है और इस चर्चा के बीच में ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो 80-20 की राजनीति तो करती है पर कहीं ना कहीं मरहम लगाने का प्रयास कर रही है, और जिसे कपिल श्रीवास्तव कहना है कि अगर आप मुसलमानों का सहयोग करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो कहर क्यों बर पा रहे हैं? नहीं, दोनों बातें ठीक है अपनी जगह पर। गौरव जी, 80-20 की राजनीति भाजपा करती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मरहम लगाने का काम कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि जो अच्छे लोग हैं उनके कामों को रिकॉग्नाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो सरकार की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी निभा रही है। अब इसको आप राजनीति का रंग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप राजनीति की नजर से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि 80-20 की राजनीति में जो आग उगली जाती है उस आग पे कहीं ना कहीं छिड़काव करने का काम इन अवार्ड्स के माध्यम से किया जाता है। जी, और दो तीन लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। बिल्कुल, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये भी दर्शाने की कोशिश करती है कि भाई जो सच्चे और अच्छे भारतीय हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, वो जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं, उनको भारत का सम्मान भी मिलेगा। अच्छा। लेकिन जो भारत के खिलाफ बोलेगा उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी भी बोलेगी और सरकार भी बोलेगी। अच्छा। तो ये मिक्स्ड इस पर आप बातें अपनी अपनी जगह पर सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी राजनीति भी करती है और साथ ही साथ जैसे कभी पसमांदा समाज का सम्मेलन कर लेगी, कभी कुछ कर लेगी और वोटरों को अपनी तरफ लुभाने का काम भी करती है कि मुसलमान वोटर जो उससे नाराज रहता है वो वोटर उसकी तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाए इन कृत्यों के माध्यम से। दिलीप भाई, आप बोले मुसलमान वोटर नाराज रहता है, पर केसी भाई बोल रहा है कि आप मुस्लिम वर्ग के लिए जो भी योजनाएं होती हैं सभी योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। सरकारी कोई भी योजना होगी, ऐसी कोई योजना नहीं जिसका लाभ मुस्लिम वर्ग को नहीं मिलता हो, फिर नाराजगी किस बात की? योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, और जब इस देश के नागरिक हैं तो सरकारी संसाधनों का सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे उनको कोई वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन के टाइम पर जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो स्टेटमेंट्स इनकी कथनी और करनी में फर्क कर देते हैं। मतलब ये कर तो अच्छा रहे हैं लेकिन कह बुरा रहे हैं। क्या बुरा रहे हैं? तो ये जो बुरा कहना होता है ये इनके खिलाफ चला जाता है, इसीलिए मुसलमान इनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है, क्योंकि जो फायदा मिल रहा है वो तो इंटरनल मिल रहा है, वो चंद लोग जान रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं उसको पूरा देश जान रहा है और विदेश भी जान रहा है। ठीक है, कभी कुछ बोल रहे थे आप कपीस भाई? मैं ये कह रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नीति ऐसी नहीं है कि विचारधारा वो एज इट इज है। जी। जब अटल बिहारी जी की बात अलग थी, जिस समय अटल बिहारी जी, आदरणीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी साहब थे, अब तो वन मैन आर्मी टू मैन शो है। जी। अब आपने देखिए हमारे ऊपर कितनी आरोप लगा दिए थे, 8,500 मुकदमा इन्होंने पत्थरबाजों पर से जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते हुए हटा लिए।
जी, इन्होंने देश के सेना का सर खोलने का काम किया जी, आतंकियों का साथ देने का काम किया। अच्छा, ऐसे आतंकियों पर इन्होंने जी, और वो तो छोड़ दिए शिपर। आपको एक बड़ी बात बता दूं, बता दीजिए कि बुरान भाई बुरान वानी जो कि आतंकी था जी, उसके भाई खालिद वानी को इन्होंने पीड़ित के फंड से जो है मुआवजा दिया। अच्छा, और जो पार्टी शहादत बताती थी इनकी जी, बुरहान वानी आतंकी की जी, उसके साथ ये सत्ता की मलाई चट कर रहे थे। अच्छा, और सारे कानून ऐसे ढीले कर दिए कि जब कॉन्वॉयज निकलते थे और रूट रोक दिया जाता था, वो सब खत्म हो गया, सब रोड से आकर के रोक दी जाती थी। कपित भाई, ये लोग कहते हैं ड्रामा हो गया जी, ये लोग कह रहे हैं गंदगी साफ करें, गंदगी उठाना पड़ता है जी। ना ना, एक बात और तो देखिए ना जी, कि आपने भारत की संप्रभुता नहीं खा ली जी, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को क्या बोलते हैं आईएसआई जी, आईएसआई को आपने अपने यहाँ पठानकोट में घुसने का अवसर दे दिया कि ठीक है आप जाके जांच कर लीजिए जी, जो आतंकवाद फैलाती है एजेंसी उसको आप कह रहे हैं आइए आइए जांच कीजिए जी, और जब आपने कहा हम आपके यहाँ की जांच करेंगे तो पाकिस्तान ने कहा हम तो संप्रभु राष्ट्र हैं जी, हम तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, हमारी एजेंसी सिर्फ कर सकती है जी। तो ये आप बताइए ना, भारत की संप्रभुता को ताक पर रखने वाले कब से राष्ट्रवादी बन गए? अच्छा, कब से मुकदमे उठाने वाले आतंकियों पर से 8,500, एक दो नहीं जी, 8,500 मुकदमा। ये बड़ी बात है, आप मुझे बताइए ये कैसे कैसे है मान लें कि ये आतंकी परस्त है कि नहीं है जी। अरे मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तूतू नहीं चलता जी, आपको बताना पड़े जी, प्रश्न बहुत जायज है जी, आपको कहना चाहिए जी। हम सभी एक ही पार्टी, हम माता के लाल है, भारत माता के। बिल्कुल, और आज उसके साथ इस तरीके की अगर हमारे माता के साथ इस तरह की दुर्गति आप करवा रहे हैं तो आप बताइए फिर आप नेशनलिस्ट कहते हैं जी। तो प्रश्न इस बात का है क्योंकि इन्होंने कहा था जी, इन्होंने कहा था, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया कि ये दो केस पे तो बात करेंगे जी। तो आप उसी 321 सीआरपीसी की बात कर लीजिए जी, लेकिन आपने उसमें 321 सीआरपीसी की बात नहीं की है जी, आपने सीधा मुकदमा उठवा लिया न्यायालय के थ्रू नहीं उठाया। चलिए जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ। किसी भाई जादुई चर्चा खत्म करता हूँ, बोलिए जवाब किसी भाई, बोलिए। देखिए मैं कुछ बातें तो सुन पाया, बोल रहे थे मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू बोल रहे थे, मैंने कुछ बातें सुनी, कुछ आवाज नहीं मिल पाई थी, मैं सुना लेता हूँ। लेकिन जहां तक मैं समझा हूँ कि ये बता रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी खुद ही भेदभाव करती है और खुद ही इस तरीके के काम करती है। देखिए आप, अरे उन्होंने और कुछ कह दिया भाई, आपने सुना नहीं लगता है, उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि कश्मीर में आप सरकार बनाने चले गए पीडीपी के साथ, आप में 8,500 मुकदमे वापस ले लिए, ये कैसा, ये कैसी राष्ट्रवादी था जी 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 जी। देखिए पठानकोट हमले की जांच आपने आईएसआई से करा के देश की सुरक्षा को दी, बीएसपी सरकार बदलने के बाद जी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर से 500 मुकदमे वापस ले दिए एक व्यक्ति पे। अच्छा, एक व्यक्ति पे 500 मुकदमे वापस लेने में, अरे भाई वो तो राजनीतिक मुकदमे थे, सलाह दे रहे कि आप मुकदमे, एक दिन में 200 मुकदमे लगाए थे जब 2012 में, आप मुझे बताइए जिनको आप पद्मभूषण दे रहे हैं उनका आप नाम गिना रहे हैं, कितने मुकदमे वापस लिए? अरे अब आप नाम गिनाने लायक नहीं है नेता जी का किसी भी चीज में, वापस लिए और मुकदमे वापस लेने के बाद कितने लोगों को भाई इनसे पूछ लिए पद्मभूषण देने वाले नेता जी को, ये क्या आरोप लगा रहे हो, क्या कह रहे हैं? किसी भाई बड़ी बात कह रहे भाई, किसी भाई कपीश भाई बोल रहा है कि आप नेताजी को पद्मभूषण दे रहे हैं और अब आरोप लगा रहे हैं, कैसी बात है भाई, ये कैसी राजनीति? नहीं नहीं, देखिए देखिए जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, अरे सच्चाई है तो फिर आपने कैसे पद्मभूषण दे दिया? स्वयं नहीं लिए थे, आप मुझे बताइए कैसे दे दिया? अगर सच्चाई है तो क्यों आपने पद्मभूषण दे दिया? अगर आपने किसी चीज को अच्छा किया तो मैंने धन्यवाद भी दिया जी। और अगर आप राजनीति कर रहे हैं इस समय तो ये उचित नहीं है क्योंकि अब आप पद्मभूषण दे चुके हैं, अब नेता जी पे आप किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। भाई आप एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं जब आपने सबसे बड़ा सम्मान दे दिया? एलिगेशन नहीं है, सच्चाई है। अच्छा, समाजवादी, अगर सच्चाई तो क्यों भैया आपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया, दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्यों दे दिया भाई जी? अभी हमारे मित्र कह रहे हैं भारत रत्न भी देंगे, जनता पार्टी जी अपने नेताओं के मुकदमे वापस लेती है। अच्छा, तो ये तो उनको स्वयं अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। अच्छा, कि एक व्यक्ति के, अगर एक व्यक्ति के ऊपर 500 मुकदमे वापस ले रहे हैं, हाँ, तो इन्होंने कितने हजार कितने लाख मुकदमे वापस लिए होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। पहली बात
दूसरी बात ये, देखिए जनता जनार्दन है, जनता सारी चीजें जानती है। अगर आपको ये लगता है कि जनता को आप अनर्गल बातों में बेवकूफ बना ले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा। जो भेदभाव की राजनीति समाजवादी पार्टी ने की आज उसको मुंह की खानी पड़ रही है। अच्छा। उसके बाद में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आगे करके भगवान राम को लगातार गाली दिलवाने का काम श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अच्छा। और ये चीजें जनता से छुपी नहीं है। अच्छा। आगे आने वाले चुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि वास्तव में जनता जो भगवान राम को गाली देने वाले उनके साथ है या भगवान राम का मंदिर बनवाने वालों के साथ। ठीक है, उसी पे आ गए आप। ठीक है, मुझे उम्मीद भी यही थी। ठीक है कपीस भाई, आखिरी कमेंट आपका। कपीस श्रीवास्तव, आखिरी कमेंट आपका। जी कपीस श्रीवास्तव, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? संपर्क नहीं हो पा रहा। दिलीप भाई, अंतिम कमेंट क्या देंगे इस पूरी चर्चा को? क्या आपका आखिरी समीक्षा रहेगी कम शब्दों में? जी जो मिल गया उसकी खुशी मनाए और राजनीति में अच्छी हिस्सेदारी निभा करके 2024 में अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज कराएं। यही भारतीय जनता चाहती है कि कोई मजबूत विपक्ष जिसको चाहिए और वो तैयार हो। जी ठीक है, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी कि यहाँ पर गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद जिस तरह से रसी अहमद कादरी का भी एक चर्चा जो सामने आई थी, छोटी चर्चा थी पर उस चर्चा के तमाम आयाम है। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी सरकार में हमको ये सम्मान मिलेगा, तो भाई दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार में वो लगातार सम्मान के लिए प्रयास कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं उम्मीद बताती है और जो मिल जाने की खुशी वो उनके चेहरे पे जाहिर भी हो रही थी। इसी कम शब्दों में उन्होंने अपने दर्द के साथ अपनी खुशी प्रधानमंत्री मोदी के सामने बयां कर दी। पर इसके बीच में जिस तरह से पद्म विभूषण के सम्मान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, स्पष्ट करती है कि अगर खुशी है सम्मान की तो कहीं कहीं रंज भी है कि देश का सर्वोच्च सम्मान क्यों नहीं बोला। अब आने वाले समय में किसको क्या सम्मान मिलता है वो फिर अलग बात है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि सम्मान के साथ, वाद विवाद के साथ, बयान के साथ और उम्मीद के साथ कुछ राजनीति ऐसी जुड़ जाती है जो हमारे देश की नई दिशा को तय करती है। अगर कहीं उम्मीद हो रही है और कहीं यहाँ पर अगर गलत साबित हो रहे हैं, जिस तरह रसीद अहमद कादरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गलत साबित कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये भाजपा के लिए सुकून की बात है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये फिलहाल तकलीफ की बात साबित हो सकती है, क्योंकि ये वर्ग कहा जाता है कि बीजेपी को सहयोग नहीं करता है, और अगर ये वर्ग बीजेपी को सहयोग कर देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परंपरा नई भी शुरू हो सकती है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।